हे नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक रिकॉर्ड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही सीक्रेट और ऑसम ट्रिक के बारे में। यार पहले मैं आपको बता दूं, या फिर आप ये खुद आप करते हो, जैसे कि आप वॉल्यूम बटन या फिर पावर बटन का यूज जो है मोबाइल को ऑन ऑफ करने के लिए, या फिर वॉल्यूम का बटन आवाज़ को कम करने के लिए करते होगे। बट यार आज बटन के कुछ सीक्रेट यूज के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहो भाई इस वीडियो को। बट यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब मारो, और साइड में जो घंटी का बटन है उससे भी दबा दो, ताकि और भी हमारे चैनल से इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो यार आपको उस पावर बटन के पावरफुल फीचर को इनेबल करने के लिए इस ऐप की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे सिंबल में यहाँ पे बता रहा है। इससे पता चलता है कि इस यूज में अगर आपका फ़ोन कोई बच्चे वगैरह यूज करता है तो वो उससे भी आपको सेपरेट रखेगा ये ऐप। तो काफ़ी ऑसम यूज है भाई। यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए परमिशन लगेगा, तो उसे अलाउ कर दें, उसे ऑन कर दें यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में टच प्रोटेक्टर को। काफ़ी ऑसम ऐप है भाई। यहाँ पे इसमें मुझे फीचर इसका इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग फीचर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की अनलॉकिंग, मतलब कि अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं इस लॉकर को, तो मतलब मोबाइल पे कोई भी टच करते करते कोई बंदा मर जाएगा, हट जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपके स्क्रीन को अनलॉक नहीं कर पाएगा भाई, जब तक कि आप अपने सीक्रेट लॉक को खुद से इनेबल नहीं करते हैं। क्योंकि भाई कभी भी कोई डिवाइस में, कोई मोबाइल में लॉक लगा हुआ रहता है, तो मतलब अगर पासवर्ड वगैरह पैटर्न वगैरह मांगता है तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है यार इसने पैटर्न लगाया है। तो पैटर्न अगर हम जानेंगे तभी वो पैटर्न खुलेगा। बट यार सोचो, अगर आपने यहाँ पे दूसरा ही लॉक लगाया है, कोई ना कोई पैटर्न है, ना कोई यहाँ पे मतलब पासवर्ड वगैरह है, तो मतलब बिल्कुल बात तो बिल्कुल अलग ही हो गई भाई। मतलब यहाँ पे कोई भी शक नहीं कर पाएगा कि आपने ये लॉक लगाया है या फिर क्या हुआ नहीं हुआ, किसी को नहीं पता चलेगा। यार हमने बस सेटअप कर लिया, उसके बाद स्टेटस बार में प्रिवेंट लॉक को इनेबल कर दें, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इमेज आ चुका है। आप चाहें तो ये इमेज छोड़ के कोई अपना कस्टम इमेज भी डाल सकते हैं। सेटिंग में इमेज डालने का ऑप्शन आया था, तो यहाँ पर देखते हैं, मैं कुछ भी क्लिक करता हूँ अभी तो एक भी कुछ नहीं वर्क कर रहा है, ना होम बटन, ना बैक बटन, कुछ भी नहीं वर्क कर रहा है। और भाई कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता सामने वाला बंदा कि यार इसमें जो है ना मतलब वॉल्यूम बटन के थ्रू लॉक लगा हुआ है यार। इसलिए इससे आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलेगा और बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए, अगर आप इस तरह से इस लॉकर का यूज करते हैं। तो अनलॉक करने के लिए आपको बस वॉल्यूम डाउन या अप बटन को क्लिक कीजिए, सिंगल टाइम आपका अनलॉक हो जाएगा। और आप अपने अनुसार लगा सकते हैं कि अगर आप सिंगल टाइम क्लिक करते हैं तो उससे ना खुले, डबल टेप अगर करते हैं बटन को तभी खुलेगा। तो बस यार उम्मीद है समझ गए होगे आप सब। तो अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब मार के साइड में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दो भाई, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए थैंक्स।